हरियाणा को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री ने की हरियाणा की प्रशंसा। आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कैथल पहुंची भारतीय नौसेना की मैराथन दौड़ का जिलावासियों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने 14वीं विधानसभा की नई परंपरा और अभिनव प्रयोगों के 3 वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरी सदन का किया विमोचन। और रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बताया बड़ा खतरा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा को भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 समारोह में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यह अवार्ड प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय खाद्यान्न पूल में सबसे बड़ा योगदान देने वाले राज्यों में से एक है। प्रदेश सरकार ने बागवानी और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में विविधीकरण के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन में अग्रणी है और इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 11 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय कौशल मिशन के तहत साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से 2,500 से अधिक किसानों और उद्यमियों को कुशल बनाने के लिए एक प्रीमियम बागवानी प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने कहा कि हरियाणा कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि कृषि और व्यापार को जोड़ने की आवश्यकता है। इसके जुड़ने से देश का किसान और अधिक समृद्ध होगा और देश का युवा भी इससे जुड़ेगा। 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से चली भारतीय नौसेना की मैराथन दौड़ का कल कैथल जिले के गांव टीक पहुंचने पर लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मैराथन यात्रा का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कमांडर ने बताया कि ये मैराथन दिल्ली से पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकूला से अम्बाला, कुरुक्षेत्र होते हुए कैथल पहुंची है। उन्होंने बताया कि इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना है। 1500 किलोमीटर के एक अभियान पर निकले हैं जो रनिंग का अभियान है। इसकी शुरुआत हमने 30 अक्टूबर को नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से शुरुआत की थी और हमारा लक्ष्य है 1500 किलोमीटर की जो दूरी है इसको 35 दिन में पूरा करने का। और हर रोज हम लगभग 5 से 6 घंटे भागते हैं और 42 से 45 किलोमीटर की हम दूरी तय करते हैं। और ये रन कंप्लीट करने के बाद हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, स्पेसिफिकली इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए। और एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज लाइफ, जो एक अनुशासन का जीवन है, उसको फॉलो करने के लिए हम बच्चों से मिलते हैं। ऐसे इसमें युवाओं को अच्छी वो मिलती है क्योंकि ये जो सुबह मतलब डेली 43 या 45 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं जिन्होंने दिल्ली से स्टार्ट किया है कि पूरे हरियाणा में उठते हुए वापस दिल्ली जाएंगे। इससे जो जवान बच्चे हैं उनको हौसला बढ़ता है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह के मैराथन से युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। नेवी का एक संगठित प्रोत्साहित किया है उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा जो कर रहे हैं ये और मुहिम चलाई हुई है। इसमें युवाओं को भी जागरूक किया है ताकि आप स्वस्थ रहें, उसके लिए व्यायाम जारी रखें और इंडियन नेवी के लिए प्रोत्साहित करें कि आप इंडिया के लिए कुछ आगे करें। आगे प्रोत्साहित प्रोत्साहन मिलेगा और देश का स्वास्थ्य, देश स्वस्थ रहेगा, मैं यही कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरी सदन का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन 3 गौरवशाली वर्षों के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार सदन की कार्यवाही का संचालन किया वो प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाया गया है और आगामी वर्षों में हरियाणा विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा में एक और नया प्रयोग शुरू करते हुए विधायकों को विधायी कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने के लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है और इसके लिए सहमति बन गई है।
कई परिवर्तन तो ऐसे हैं जो क्रांतिकारी हैं। अपनी विधानसभा ई विधानसभा हुई, विधानसभा अभी ई विधानसभा के कारण से सारा कागजी काम वो हमारा प्राय प्राय खत्म होने जा रहा है। पहले साल में तो दोनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे सब पेपरलेस एक प्रकार का सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार इस विधानसभा का एक नया भवन बने, इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूँ उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा की गरिमा, मर्यादा व गौरव बना रहे, इसके लिए नए प्रयोग किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों को प्रश्न और विधेयक समय पर मिले, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जैसे प्रश्न का जो थे वो ड्रॉप लॉट से शुरू किए, उसके अलावा जो बहुत सारे पुराने पंजाब विधानसभा के नियम थे उनको परिवर्तित करके हरियाणा विधानसभा के नए नियम हमने बनाए। कुछ जो चीज़ें सदन के अंदर यहाँ पर श्री गीता, भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का संदेश, उसकी जो रेप्लिका है वो हमने यहाँ बना विधानसभा के अंदर गीता का यहाँ पर स्थापना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 60वें दीक्षांत समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों IAS, IPS और अन्य सेवाओं के 49 अधिकारियों को डिग्री प्रदान की। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच खाई कम हो रही है, हालांकि सुरक्षा खबरों के नए आयाम उभर कर सामने आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉर हैज द पोटेंशियल टू थ्रेटन अवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देयर इज नो अकाउंट ऑफ हाउ मच फेक न्यूज एंड हेट मटेरियल इज लाइकली टू बी ब्रॉड इन द सोसाइटी थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। द ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन कंटेंट जनरेशन परफॉर्म्स इज बीइंग यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग द ओपिनियन और पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर वाज मोस्ट एविडेंट इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict in their own terms. केंद्र सरकार के प्रमाणिक दस्तावेज विनिमय प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर का अब स्वास्थ्य लॉकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें टीकाकरण रिकॉर्ड, डॉक्टर की पर्ची, प्रयोगशाला रिपोर्ट और अस्पताल से छुट्टी होने के विवरण सहित स्वास्थ्य दस्तावेजों को रखने की सुविधा मिल पाएगी। डिजीलॉकर द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ दूसरे स्तर का एकीकरण पूरा होने के बाद ये संभव हो पाया है। इससे पहले डिजीलॉकर ने आयुष्मान भारत के साथ पहले स्तर का एकीकरण पूरा किया था, जिसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट से लगभग 13 करोड़ उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। डिजीलॉकर में इस नई प्रणाली से उपभोक्ता इसे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट धारक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से अपने पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड स्कैन और अपलोड भी कर सकते हैं। साथ ही वे कुछ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साझा कर सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों द्वारा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण रिटर्न को तैयार करने में होने वाली शंकाओं को दूर करने के लिए गुरुग्राम में आज देश की पहली प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अपर महानिदेशक डॉ. विवास चौधरी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति व तरक्की को मापने के लिए जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है, उसमें हमारे देश की औद्योगिक इकाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अपर महानिदेशक ने कहा कि गुरुग्राम में औद्योगिक इकाइयों के लिए यहां देश का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसे गति प्रदान करते हुए जल्द ही देश के विभिन्न हिस्सों में इसी क्रम में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ श्री मंगला जी और सारी एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि इन लोगों ने भारी सहायता किया है इस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए। और देश की प्रगति, देश की तरक्की
को नापने के लिए जो आंकड़े का आवश्यकता होता है, क्योंकि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री का योगदान हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसे जैसे हमारे मोदी जी का जो विचार है, विजन है, इतने अच्छे इनकी सोच है, जैसे हमारे वर्ल्ड के अंदर, जैसे चौधरी साहब ने बोला कि हम लोग इतना हमारी रिस्पेक्ट हो गई है अब हमारे इनके काम कार्यकारी नीतियों से कि हमें इसी पे, इन्होंने चौधरी साहब ने, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि हम ये भी इस पे है ना एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे जिससे कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीस्ट हैं उनको आगे कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं बहुत बहुत इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो ये हमारे इंडस्ट्रीज को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली हम सब का यहाँ पे आने का एक यही बेसिक आइडिया यही था कि जो लोगों को तकलीफ है हम समझ के जाएँ और हम उन्हें जाके वही ट्रेनिंग आगे पार्ट करें और उसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर विवास चौधरी जी ने बोला है कि फिर भी अगर कोई दिक्कत आया तो हम इसके लिए कैंप बनाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और उनकी तरफ से बड़ी चिप। हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग गुरुग्राम के अधीक्षण अभियंता एवं अटल भूजल योजना के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह रावत को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसंघ नई दिल्ली द्वारा दिया गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसंघ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में डॉक्टर रावत के उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों की सराहना की है। डॉक्टर शिव सिंह रावत को विभिन्न सरकारी विभागों में 32 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए इसराइल और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए हैं। उन्होंने गुरुग्राम सहित दक्षिणी हरियाणा के नहर आधारित पेयजल से संबंधित प्रतिष्ठित परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, अपशिष्ट जल के सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग के लिए परियोजना और जल निकायों का कायाकल्प आदि परियोजनाओं पर काम किया है। उन्होंने जल संरक्षण और प्रबंधन एवं पर्यावरण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों व संस्थानों में टीवी वार्ता और व्याख्यान दिए हैं और विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में कई लेख भी लिखे हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल सीवर और सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई करने से हटाने पर बैठक हुई। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सीवर मैन को सफाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्य सचिव ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए संबंधित विभागों को अपने हेल्पलाइन नंबर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए फॉर्मेट को साधारण बनाया जाए ताकि आम व्यक्ति भी उसका उपयोग कर सके। बैठक में बताया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी द्वारा 250 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि अभी तक 1098 लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि सफाई के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को पूरा लाभ मिल सके। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में बायो माइनिंग से संबंधित एनजीटी के आदेशों के अनुपालना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों, शहरी स्थानीय निकायों व नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि बायो माइनिंग की दिशा में काम करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक लेगेसी वेस्ट का निवारण किया जाएगा। प्रदेश में 101 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे की प्रोसेसिंग की जानी है। अब तक 38.74 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है और बाकी 62.60 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए बड़े प्लांट लगाने की बजाय छोटे छोटे क्रशर लगाए जाएं। उन्होंने अम्बाला, कैथल और यमुनानगर जिलों द्वारा कचरा प्रसंस्करण के कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने पर उनकी प्रशंसा की और अन्य जिलों के अधिकारियों को अपने कार्य प्रदर्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें और फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान में अपना पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम सहित कई जिलों में जनसंख्या अनुसार मतदाताओं का अनुपात कम है। ऐसे जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का सही होना जरूरी है। इसमें बूथ लेवल एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य कवि कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री ने की हरियाणा की प्रशंसा। आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कैथल पहुंची भारतीय नौसेना की मैराथन दौड़ का जिलेवासियों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरी सदन का किया विमोचन। और रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बताया बड़ा खतरा। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।